बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और बहुत आसान है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़। वीडियो को मुझे सपोर्ट करें। मैं जिन जिन चैनल्स को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं डेली उनकी वीडियोज़ पर जाती हूँ, लाइक करती हूँ, कमेंट भी करती हूँ, फुल वॉच करती हूँ, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। तो मेरे वीडियोज़ पे इतने, जितनी मैं वीडियोज़ पे जाती हूँ रोज़, मेरी वीडियोज़ पे इतने व्यूज़ नहीं आते। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम कामयाब होंगे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। चिकन मैंने लिया है 2 kg, तो इसकी मैंने मुनासिब साइज़ की बोटी करवा ली है। आप चाहें बड़ी रखवा लें, छोटी रखवा लें। धोकर मैंने इसे, पानी इसका अच्छे से निकाल दिया है, बिल्कुल पानी इसमें नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ ये गीला है हल्का हल्का। तो अब हमने क्या करना है, हमने लेना है नमक, 1/2 teaspoon नमक मैंने लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मैं और ज़्यादा डाल रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं लूँगी हल्दी 1/2 teaspoon, ठीक है। ये देखें हल्दी भी मैंने इसमें डाल दी है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1/2 teaspoon ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, इससे ये होगा कि इसमें मसाले जो हैं वो रच जाएंगे अच्छे से। और यहाँ पर मैं सिरका डाल रही हूँ तकरीबन 4 tablespoon, ठीक है जी। वाइट सिरका है जो आम तौर पे होता है हमारे घरों में, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे, हर जगह लग जाए इसको, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे इससे जो है ना। और सिरका जो होता है ना वो बड़ा अच्छा टेंडराइज़र भी है, इससे जो है ना टेंडर होने में चिकन को बहुत मदद मिलेगी। मसाले जो होते हैं वो हमारे टेंडराइज़र ही होते हैं, लेकिन कुछ मसाले बहुत ज़्यादा मदद करते हैं चीज़ों को गलाने में। तो इस उनमें से सिरका भी एक है और उनमें से नमक भी एक है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें हमने लगा दी हैं इसमें अच्छे से, और इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से इसमें चीज़ें जो हैं वो रच बस जाएं मसाले, और अच्छा से ये टेंडर भी होना शुरू हो जाए। तो इसको रख देते हैं, चाहे तो आप फ्रिज में रख दें, चाहे तो आप ऐसे ही रख दें। आधे घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ जी। तकरीबन आधा घंटा हो गया है और गोश्त जो है हमारा अच्छा सा मैरिनेट हो गया है। यहाँ पर एक देचकी में मैंने आधा कप पानी रखा है, उस पानी में हम इस गोश्त को डाल देते हैं पूरे मसाले समेत, जो इसका सिरका जो नीचे पानी बचेगा, ये देखें नीचे पानी छोड़ा है इसने, तो हम ये पानी भी साथ डालेंगे। और पानी जो है ना हमने इतना डालना है कि गोश्त हमारा बस 5 मिनट उबाल आ जाए इसमें, और उसके बाद जो है हम इसको पानी को खुश्क करेंगे फुल फ्लेम पर। तो हमने पानी जो है वो ज़ाया नहीं करना, इसको फेंकना नहीं है पानी को, तो हमने इसी पानी में इसको बॉईल करना है और पानी खुश्क कर लेना है इसमें। तो ये देखें नीचे कितना पानी है, ये तमाम पानी भी मैं इसमें डाल, ये देखें। और अब हम इसको ढक देंगे, 5 से 6 मिनट हमने इसको बॉईल करना है, पानी खुश्क कर लेना है। अच्छा जी, देखें चिकन यहाँ पर हो गया है 1/2 boil, और यहाँ पर इसका पानी बिल्कुल खुश्क है, इसमें पानी नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो उसमें मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, या फुल भर के ले लें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। ज़ीरा पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, अजवाइन ली है थोड़ी सी, 2 से 3 चुटकियाँ हैं, नमक आप हसबे जायका ले लें, मैंने 1 चाय का चम्मच यहाँ लिया है। और यहाँ पर है मेरे पास गर्म मसाला पाउडर, ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। यहाँ पर है मेरे पास चाट मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत आसान, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है जी। और यहाँ पर मैं डालूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच दही, इससे खटास आएगी, टेंडर भी होगी। टेंडर तो खैर हो चुकी, बस फटाफट हमने फ्राई करनी है। तो यहाँ पर ये मैंने शामिल कर दिया। अब हम डालेंगे बेसन, 3 से 4 खाने के चम्मच भर के डाल दें बेसन, ठीक है। ये देखें ये मैंने छान के मैं डाली हूँ ताकि कोई लम्स वगैरह ना हो, बस इतना। और अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा मसाला लगा देंगे हर तरफ, और इसको रख देंगे कुछ देर के लिए। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाला जो है चिकन पे लग चुका है। अब हम इसको रख देंगे कुछ देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए, और उसके बाद फ्राई करते हैं। गोश्त को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1-1.5 घंटा गुजर चुका है। यहाँ पर मैंने घी रखा है पैन में गर्म होने के लिए,
फ्लेम को जो है ना हमने एक दफ़ा घी को गर्म करने के बाद फ्लेम को जो है हमने मीडियम कर देना है, मीडियम से थोड़ा कम रखना है। गोश्त क्योंकि हमारा ऑलरेडी गला हुआ है तो बस हमने इसको फ्राई करना है, कलर देना है। तो मैं डाल रही हूँ इसमें इस तरीके से, थोड़ी देर छोड़िएगा, छेड़ना नहीं है उसको। उसके बाद जो है एक से दो मिनट के बाद जो है हमने फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा ऊपर कर देना है और फिर हमने इसको छेड़ना है और फ्राई करके बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से एक मिनट हो गया है तो हम इसको इसको टर्न कर देंगे। ये देखें बहुत आसानी के साथ सारी बोटियाँ हम टर्न कर देंगे और इसी तरह यहाँ से भी कलर दे लेंगे और फिर उसको बाहर निकाल लेंगे। बस ये हो चुका है तकरीबन 4 से 5 मिनट में दोनों साइडों से। तो हम इसका घी अलग करेंगे यानी कि इसे निचोड़ेंगे और इसको निकाल लेंगे। इसी तरह तमाम पीस हम जो है वो फ्राई कर लेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ तमाम फ्राई करने के बाद। तो जी फ्राई हो चुका है हमारा गोल्डन गोल्डन क्रिस्पी क्रिस्पी सा चिकन, जिसके साथ आप कोई भी चटनी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी थी, बहुत मज़ेदार। और मेरी लाइट कुछ ख़राब हुई है जिसकी वजह से आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार गोल्डन कलर का जो है ये चिकन तैयार हुआ है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।